नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह की कार्रवाई सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसे खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर रूपा जी की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर कैसे सीट की, तो देख रहे हैं कि कैसे सीट का अक्टूबर वायदा 6238 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 0.25% की तेजी कैसे सीट के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि कैसे सीट का वायदा बाजार पहले जो 6100 के लेवल पर टूट चुका था, अब उसके अंदर एक बार फिर से खरीदारी देखने को मिल रही है। तो रूपा जी, अब आपको यहाँ से क्या लगता है कैसे सीट में अब आगे क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, कैसे सीट में आगे 6500 के स्तर अभी भी इंटैक्ट है, मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 6500 के स्तरों के लिए अभी भी इसके अंदर बाइंग करके चला जा सकता है जी। तो यानी कि कैसे सीट में अभी भी 6500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, कैसे सीट में 6500 के लेवल्स के लिए रूपा जी के अनुसार खरीदारी में रहा जा सकता है। ये सर, रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो देख रहे हैं कि 2400 के ऊपर आज भी सस्टेन होकर चल रहा है। बिनौला खल में आपको क्या लगता है, बिनौला खल में अब क्या यही एक रेंज देखने को मिलती रहेगी 2400-2500 की काफी समय तक? देखिए, बिनौला खल में फिलहाल रेंज है 2400 से 2500 के ऊपर सस्टेन आया करेगा तो 2600 तक ऊपर जा सकता है। तो कोई बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल सकती है जी। तो यानी कि बिनौला खल में कोई ज्यादा बहुत अच्छी रेंज देखने को नहीं मिलेगी, कोई ज्यादा लंबी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। 2400-2500 के ऊपर सस्टेन होता है तो 2600 का लेवल देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल है कि दिखा पाए, अदरवाइज बिनौला खल में भी नरमी वाला रुझान ही देखने को मिलता रहेगा। रूपा जी, नजर डालें अगर आज मसालों की ओर, तो मसालों में देख रहे हैं कि ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। धनिया 7600 पर, जीरा 14200 के घरों में और हल्दी 7300 के घरों में कारोबार करती हुई नजर आ रही है। रूपा जी, आपको क्या लगता है अभी तेजी देखने को मिल पाएगी यहाँ पे? देखिए, फेस्टिवल सीजन के चलते थोड़ा बहुत डिमांड उठने की उम्मीद जो थी, अब वो कहीं ना कहीं गायब होती दिखाई दे रही है। एक बार फिर से बाजार जो है वो दबाव के अंदर आते हुए दिखाई दे, चाहे वो धनिया हो या फिर हल्दी, तो मसालों के अंदर ऊपरी स्तरों से दबाव बना है। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि गिरावट के अंदर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन की आगे डिमांड अक्टूबर मुझे लगता है कि पिक होती हुई दिखाई दे सकती है, जिसकी वजह से तेजी बन सकती है। तो फिलहाल के लिए धनिया जो है सेम एज इट इज 8000 के स्तर एक बार फिर से छूता हुआ दिखाई दे सकता है, और हल्दी भी 8000 के स्तरों के लिए अक्टूबर वायदा में बाय करके चला जा सकता है जी। ये जो रूपा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का अक्टूबर वायदा 9680 पर है, लगभग 2.5% की तेजी, और ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा 5865 पर है 1.5% की तेजी के साथ। रूपा जी, आपको क्या लगता है ग्वार में अब क्या देखने को मिल पाएगा आगे? देखिए, ग्वार के अंदर अभी तेजी है अखिलेश, अभी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो मेरे हिसाब से ग्वार के अंदर बाइंग करना चाहिए। गम वापस से 10000 के ऊपर जा सकता है, और सीड की बात करें तो सीड भी 6000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों ही कमोडिटीज के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है जी। तो यानी कि ग्वार अभी भी तेजी दिखलाता हुआ नजर आ सकता है, ग्वार में अभी भी खरीदारी निकल के सामने आ सकती है 10000 के ऊपर ग्वार गम, और ग्वार सीड रूपा जी के अनुसार 6000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। ये सर, रूपा जी बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि सरसों जो कि 8300 तक टूटती हुई नजर आ चुकी थी, आज देख रहे हैं कि एक बार फिर से उसके अंदर खरीदारी निकल के सामने आ रही है। सरसों 1% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है, 8600 के घरों में है। रूपा जी, अब आपको क्या लगता है जिस हिसाब से सरसों में खरीदारी निकल के सामने आई है और जो स्टॉक है उसकी शॉर्टेज है भारत के अंदर सरसों में, तो आपको क्या लगता है क्या आगे कीमतें एक बार फिर से 8800 से लेकर 9000 तक जाती हुई नजर आ पाएंगी? देखिए, एडिबल ऑयल पैक में अभी वापस से जो है वो खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अखिलेश अभी लगता है कि यहाँ पर जो है फेस्टिवल सीजन की एक डिमांड निकल सकती है, जिसकी वजह से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अभी जो है दिवाली के चलते मुझे लगता है कि आगे तेल की डिमांड जो है और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अभी हम देख रहे हैं कि हाजिर मंडियों में वापस से तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, और तेल की जो अवेलेबिलिटी है वो भी काफी कम होती दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि अब सरसों के अंदर वापस से तेजी बन सकती है, तो सरसों के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है जी। तो यानी कि सरसों में वापस से तेजी बनती हुई नजर आ सकती है, खरीदारी करके चला जा सकता है जिस हिसाब से। आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में जो आंकड़े जानकारों द्वारा दिए जा रहे हैं कि सरसों का कितना स्टॉक है पूरे देश भर में, वो लगभग 30 लाख टन का बताया जा रहा है, जिसमें से रोजाना खपत भी हो रही है। और दूसरा, अभी फसल आने में कुछ महीनों का वक्त है, और तब तक देखना होगा कि क्या इतना स्टॉक बाकी जो बचे हुए महीने हैं उनको कवर अप कर पाएगा या नहीं।
अगर कवर अप नहीं कर पाता है तो सरसों की कीमतों में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। और अब दूसरा, सर्दियां आने वाली है, दालों की खपत कम हो जाती है और हरी साग सब्जियों की खपत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सरसों का जो कंजप्शन है वो ज्यादा देखने को मिलता है मस्टर्ड ऑयल का, जिसकी वजह से सरसों तेल की जो खपत है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी और कीमतें तेजी की ओर जाती हुई नजर आ सकती है। ये सर ऊपर जी बात करेंगे सोयाबीन और रिफाइंड सोया तेल की, तो देख रहे हैं कि सोयाबीन का अक्टूबर वादा 5,968 पर है और रिफाइंड सोया तेल अक्टूबर वादा 1,302 के घरों में। रूपा जी देख रहे हैं कि दोनों सोयाबीन में ही, सोयाबीन कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं कि अब जो लेवल्स हैं वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहे हैं। रूपा जी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सोयाबीन की जो कीमत टूटती हुई नजर आ रही है, तो क्या सोयाबीन 5,600, 5,700 और 5,800 के घरों में भी कारोबार करती हुई नजर आ सकती है नीचे में? देखिए सोयाबीन में गिरावट है दिनेश, जबकि सरसों में तेजी देखने को मिल रही है, सरसों की डिमांड पिकअप हो रही है, लेकिन सोयाबीन जो है उसमें दबाव जो है वो गिराता हुआ दिखाई दे रहा है, सोयाबीन उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए लगता है कि नीचे में 5,500 से लेकर 5,000 की रेंज हो सकती है और ऊपर में 6,200 से 6,500 के बीच में जा सकता है। अगर देखिए सरसों में बहुत ज्यादा तेजी आती है तो सोयाबीन में भी थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका फंडामेंटल अब कमजोर होता दिखाई दे रहा है। सोयाबीन में बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम फिलहाल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और वही गिरावट की बात करें तो गिरावट भी जो है वो भी एक लिमिटेड लग रही है, बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं है। अब मान के चलिए नीचे में 6,800 से लेकर 5,500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं जी। तो यानी कि अभी सरसों में गिरावट का रुझान देखने को मिल सकता है, जो फंडामेंटल्स है सोयाबीन के, सोयाबीन की कीमतों में गिरावट का रुझान देखने को मिल सकता है। जो फंडामेंटल्स है सोयाबीन के अभी उनमें एक नरमी देखने को मिल रही है, जो फंडामेंटल्स है अब कहीं ना कहीं नेगेटिव बनते हुए नजर आ रहे हैं, खास क्योंकि अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सोयाबीन की बुआई का जो रकबा है वो पहले के मुकाबले लगभग बराबर ही होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों में जो गिरावट है वो दर्ज की जा सकती है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, जो किसानों ने वहाँ के टाइम्स टीवी को बताया है कि खेतों में खड़ी हुई जो फसल है सोयाबीन की वो बारिश की वजह से खराब होती हुई नजर आ रही है। बड़े पैमाने पर खेतों में भारी बारिश देखने को मिली है, क्योंकि मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से सोयाबीन ज़्यादा इलाकों में बर्बाद होती हुई नजर आई है। अब देखना ये होगा कि अब जब नई अराइवल्स होती हैं, नई आवकें होती हैं, तो सोयाबीन की कैसी क्वालिटी देखने को मिलेगी और कितना अराइवल्स बाजार में आती हुई नजर आ पाएगी। अगर कम आवकें आती हैं और क्वालिटी भी खराब रहती है तो सोयाबीन की जो कीमतें हैं उनमें एक उछाल देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि जो खपत है वो कम नहीं होगी, खपत उतनी की उतनी रहेगी, प्रोडक्शन थोड़ा कम देखने को भले ही मिल जाए। और ये ऐसे समय में देखा जाएगा जब किसानों का उपज मंडियों में आने वाली होगी, ऐसे वक्त में जो कीमतें हैं वो कम होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले सोयाबीन की जो कीमतें थी वो अच्छी खासी देखने को मिली थी वायदा और हाजिर मंडियों के अंदर। रूपा जी जानना चाहेंगे आपसे वो कौन सी कृषि फसलें होंगी जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? हाँ देखिए, अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो फिलहाल एग्री कमोडिटीज के अंदर गिरावट के बाद अब थोड़ा सा माहौल तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया है। सेम एज इट इज कैप्चर में बाइंग में रहा जा सकता है, कैप्चर के साथ साथ आने वाले दिनों में धनिया में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। और एक सरसों में अब बाइंग किया जा सकता है, क्योंकि आगे सरसों के अंदर वापस से बाजारों में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये तीन चार कमोडिटीज हैं जिसके अंदर बायोडिप की स्ट्रेटजी लेकर चला जा सकता है जी। तो यानी कि कैसा सीड, सरसों और धनिया, रूपा जी के अनुसार ये तीन कृषि फसलों के अंदर आप आज खरीदारी की रणनीति अपनाकर चल सकते हैं। और ये फसलें हैं और ये कृषि जिन्स ऐसे हैं जो आपको आगे भी मुनाफा कमाती हुई नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि आज कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुलती हुई नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, नमस्कार।